प्रसून जोशी साहब ने आपकी पिछली वेब सीरीज रसभरी के बारे में कुछ कहा और फिर आपने लिखा आदर्श सहित सर शायद आप सीन गलत समझ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों की बात हुई, कंफ्यूजन दूर हुआ या आपको लग रहा है कि क्योंकि ही इज अ ऑनेस्टली सेंसिबल मुझे मैन, ऑल सेड एंड डन प्रसून जोशी इज अ सेंसिबल मैन। उनकी पॉलिटिक्स है, उनके अपने एफर्ट्स हैं, उससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं, बट आई थिंक ही इज समवन यू कैन इंटरेक्ट, यू कैन एंगेज इन अ डायलॉग। आई थिंक प्रसून सर इज नॉट जस्ट अ सेंसिबल मैन, आई थिंक ही इज वन ऑफ आवर फाइनेस्ट राइटर्स। वो यस इस यस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन राइटर्स में से हैं। उन्होंने हमें सबसे बेहतरीन पिछले जो दशक की फिल्में जो हैं, और सबसे बेहतरीन फिल्में दी हैं, सबसे बेहतरीन गाने दिए हैं। उन्होंने उन्होंने क्रांतिकारी गाने दिए हैं हमें। तो मुझे लगता है कि प्रसून सर की समझ पे तो किसी किस्म का आ, 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 की उंगली नहीं उठाई उठाई जा नहीं सकती, नहीं पर एक इसलिए क्योंकि मैंने मुझे ये बात इसलिए कही क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अभी देखिए कई तरह के गुट हैं। तो एक गुट है जो वो नरेंद्र मोदी की का उन्होंने जो इंटरव्यू किया उसको लेकर उनपे मीम बनाते हैं, आक्षेप लगाते हैं। दूसरा सेंसर बोर्ड को हेड करना इज अ वेरी थैंकलेस जॉब, या तो उस वजह से ऑनेस्टली मैं विश्वास नहीं कर सकती कि प्रसून सर ने वो सीन देखा और वो संदर्भ नहीं समझ पाए, क्योंकि मैं एक्चुअली उनकी फैन हूँ और मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है बिलीव करना कि उन्हें सीन समझ नहीं आया होगा या उन्होंने गलत समझ लिया। ये हो ही नहीं सकता, ऐसा दिग्गज राइटर गलत तो नहीं समझ सकता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे शायद कोई उनकी सरकारी जिम्मेदारी होगी। मुझे पता है कि एक ओटीटी को सेंसर करने के ऊपर एक पूरी डिबेट छिड़ रही है, और कहीं पे मुझे लगता है कि वो शायद सिर्फ अपना इज इट लाइक बिल्डिंग अ रोल निभा रहे हो। केस? सॉरी, इज इट लाइक बिल्डिंग अ केस? आई थिंक सो, आई थिंक दैट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कंसेंसस टू एक सामाजिक रूप में, एक जनता में वो एक हामी चाह रहे हैं कि हाँ ओटीटी पे सेंसर होना चाहिए। आई थिंक इट्स रियली जस्ट दैट। पर्सनल लेवल पे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि प्रसून सर के समझ में किसी किस्म की भी कमी हो सकती है। लेकिन चूंकि मैं ये लॉकडाउन में हुआ है, मैं दिल्ली में हूँ, वो बॉम्बे में, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, पर मैं उनसे अगर मिलूंगी मैं जरूर उनसे पूछूंगी, एंड आई एम श्योर वो मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। बहुत सभ्य सज्जन है वो। Yes, he is. What's your take on censorship as far as OTT platforms are concerned? क्योंकि कई लोग हैं जो कहते हैं कि यार हम देखते हैं बच्चों के साथ एकदम से उसमें सीन आ जाते हैं जिसमें वॉयलेंस है, सेक्स सीन है, अगर बहुत फ्लैट ढंग से कहें तो लव मेकिंग सीन है, गालियां हैं, सो वी आर नॉट कंफर्टेबल। वी डोंट नो कि हम कौन सी पर्टिकुलर सीरीज बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं, कौन सी नहीं देख सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। सो व्हाट्स आई योर थिंक टेक? बिल्कुल 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 ही वैलिड कंसर्न है माँ बाप का, पेरेंट्स का, बड़ों का जो परिवार में है। लेकिन मैं उन्हें सिर्फ बहुत ही आदर सहित इतना ही कहना चाहूंगी कि इसलिए सर्टिफिकेशन होती है, इसलिए रेटिंग लगती है। रसभरी के आगे लिखा हुआ है कि वो 18+ व्यूइंग है। आई थिंक कि बेस्ट तरीका इन चीजों में होता है कि आप उसकी रेटिंग चेक करें। ओटीटीज भी रेटिंग बताते हैं, एडल्ट कंटेंट जहां जहां होता है वहां साफ साफ लिखा हुआ रहता है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें सौरभ, तो मैं ओटीटी पे सेंसरशिप के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि ओटीटी का पूरा पॉइंट था ओपन इंफॉर्मेशन, ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस टू कंटेंट और आजादी। अगर और हम अच्छे अच्छे शोज, रोचक शोज, नए कहानियां, नए किरदार, पाताल लोक हो गया या मेड इन हेवन हो गया या सेक्रेड गेम्स हो गया या फ्लैश हो गया, हम इस किस्म की कहानियां सिर्फ इसलिए कह पा रहे हैं इस माध्यम में क्योंकि यहाँ पे सेंसरशिप नहीं है। फ्लैश जैसी कहानी हमने फिल्मों में क्यों नहीं देखी है? आज तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे मेन स्ट्रीम भारतीय सिनेमा ने फिल्म क्यों नहीं बनाई है? मैं कह रही हूँ मेन स्ट्रीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुद्दे पे, जो एक्चुअली डिटेल में जाए इस मुद्दे पे, क्योंकि बना ही नहीं सकते आप, क्योंकि इतनी आपको आधी से ज्यादा चीजें सेंसर करनी पड़ेंगी तो आप कहानी क्या ही बोल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सेंसरशिप जो है वो एक मेरे मेरे मन में वो एक बहुत ही बचकाना रिस्पॉन्स है। वो एक वो आज के जमाने में, खास करके जब इतनी एक्सेस है यार हमारे पास, हमारी जनता बैठ के अमेरिकन शोज कंज्यूम कर रही है, यूके के शोज कंज्यूम कर रही है, फिर आप कहते हो कि ओ इंडियन कंटेंट की क्वालिटी नहीं है। कहाँ से आएगी यार क्वालिटी? आप हर चीज पे 10,000 किस्म की पाबंदियां डाल दोगे, आदमी कहानी बोल कैसे पाएगा अगर इतनी सारी पाबंदियां होंगी तो। अगर हम सारे टाइम, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि एक दिन तो हम रामायण महाभारत को भी सेंसर करने लगेंगे, क्योंकि अगर एक्चुअली उन चीजों को पढ़ा जाए तो उनमें भी काफी सारे ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो आज के जमाने में हमें क्या पता लगे कि अरे ये कैसे हो गया।
हमारे पुराण ही सेंसर हो जाए, क्या पता कृष्ण भगवान की रासलीला ही सेंसर हो जाएगी किसी दिन, मुझे लग रहा है। सर आप मुझे ये बता रही हैं, हिंदी के एक बहुत मकबूल राइटर हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह ने पिछले दिनों एक उपन्यास लिखा, कुछ एक बरस हो गए हैं, वो कृष्ण के आखिरी दिनों की कहानी की उपसंहार के नाम से, और उसमें कई प्रसंग आते हैं जो उन्होंने अलग अलग पुराणों से उठाए, लेकिन लोगों ने उनको इतना ट्रोल किया, इतनी भद्दी भद्दी गालियां कि तुम कृष्ण के बारे में, ईश्वर के बारे में ऐसे कैसे लिखे। उनका भाई मैंने नहीं लिखा, हरिवंश पुराण में है, इसमें है, उसमें, मैंने सिर्फ रिप्रोड्यूस किया है। तो वो एक अध्ययनशीलता की कमी तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इन्फॉर्मेशन पॉवर्टी जो है, जिसे कहते हैं ना, हमारे देश में इतनी हाई लेवल पे है कि आधे टाइम हम जिन चीजों के बारे में लड़ रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता है उसके बारे में। तो वो तो खैर अब क्या ही बोलें।